गुलाम उम्मे रानी है, उन्हीं से रिलेटेड है। वो एक बदमाशी का किरदार कर रहे हैं, मासूम लड़कियों के साथ वैश्याना ताल्लुकात बना के, वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद खैरपुर जिले की इंतजामिया खामोश है, पुलिस खामोश है, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदान खामोश है। इस पर हम अफसोस ही कर सकते हैं। हम आला अदलिया से और दीगर हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि इस वाक्य का और नोटिस लेकर मासूम बच्चियों की जो जिंदगी है उसको तहफ्फुज दिया जाए और लड़कियों की तालीम को आम किया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारी जिला खैरपुर की जो आला अमलदार है इंतजामिया वो नाराज हो चुकी है, क्योंकि रोज बरोज के मामले हो गए, कभी फुल लूट, कभी गोलियों की चावल, दिन दिन में लोगों को गोली मार जाती है। अभी तो यहाँ तक कि हमारे घरों तक पहुँच गए, हमारी बच्चियाँ जो कुरान पाक की जो स्कूल की तालीम लेने जा रही है उनको यरगुमार बनाया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, उनके वीडियोज बनाए जा रहे हैं, ऐसे दरिंदे सयाम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई काम नहीं उठाया जा रहा है। उसके बदले मुकाबले में उसके बदले उनके बदले में जो है शरीफ और बहुत से लोगों को उठाया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं आला अमलदारों से कि फिल फौर गोदामों को गिरफ्तार किया जाए, वगरना हमारा एहतजाज का देर तक कायम कायम रहे। अफसोसनाक वाकया हुआ है कुंभ में, हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। ये कुंभ का करीब जो गांव है उसका मोहम्मद रमजान मेहरानी, वहाँ पे जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, एक वेशी बगड़ है जो अपने घर की औरतों से उन्होंने एतराज जो भी जो है उन्होंने वीडियो बनाई है, वीडियो बना के जो है उसने सोशल मीडिया पे वायरल की है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और हम आई जी सिंह से मुतालबा करते हैं कि इस वेशी बगड़ को जो है गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कि जो इतना बड़ा संगीन जो है मुजरिम है उस पर जो दफात लगाई गई है मामूली दफात लगाई गई है, और जो कि दफात उस पर तो होगी नहीं। वजह ये है कि ना तो कोई जो है गवर्नमेंट की मुतैयत में जो है ये FIR हुई है, उसके बाद किस तरह से ये FIR लगाई गई है, इस जो है FIR को चेंज किया जाए और एंटी टेररिज्म कोड के तहत जो ये FIR होनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तब जाके जो है वो उस माँ का जिगर जो है वो ठंडा होगा। लेकिन जो है वो अगर ये अभी भी जिस तरह से जो है वो खुलेआम घूम रहा है, क्या पता कि वो कहाँ किस बच्ची के साथ फिर से जुल्म कर रहा हो, ये कुछ नहीं पता।